नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप बहुत अच्छे होंगे। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अपने घर में आप स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब आपका वह समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 24 घंटों के अंदर आज शाम के 5:20 के बाद से आप सभी के जीवन काल में बधाई का माला आपके गले चढ़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब जो खुशी है वे आपके सातवें आसमान पर होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और भाग्य का सितारा अब आपका जगमग करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपकी किस्मत कुछ ऐसे चमकेगी कि दोस्तों देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और सभी लोग बस यही कहेंगे कि वह क्या नसीब है, इससे भी अच्छा नसीब हो सकती है क्या। जी हाँ दोस्तों, चारों तरफ आपकी ही बाहबाई गूंजने वाली है। क्यों दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब भगवान शनिदेव के आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ही सुबियों का निर्माण होने वाले हैं, जो कि दोस्तों आने वाले 24 घंटों के अंदर आपकी कुंडली के पूरी लेखा जोखा बदल कर रख देंगी। आने वाला भविष्य आपका पूरी तरह बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि अब आपकी कुंडली में एक साथ दो बड़े शुभ योग का निर्माण हो चुका है, जो कि दोस्तों आपके लिए और आपके आने वाले समय के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान शिव का शिव नाम का शुभ योग और शनिदेव का शनि ग्रह आपकी कुंडली के लिए अब लाभ की स्थिति में आने वाले हैं। और दोस्तों जो ये दो शुभ योग का निर्माण है आपके जीवन काल में कई प्रकार की खुशियां लेकर आने वाली है, कई प्रकार के सुधार करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके पूरी जीवन को ही बदल कर रख देने वाले साबित होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अब समाज में आपकी एक अलग पहचान बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पूरे मोहल्ले में पूरे गांव में आपके ही चर्चे होंगे, आपके ही नाम गुजरने वाला है। क्यों दोस्तों, आपको बता दें कि इस धरती पर पहली बार ऐसा शुभ योग का निर्माण हुआ है जो कि आपकी कुंडली के पूरी तरह लेखा जोखा को बदलने जा रहे हैं। आने वाले 24 घंटों के अंदर भगवान भोलेनाथ और शनिदेव का यह दो परम शुभ योग आपके जुनकाल में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं करने वाले हैं कि दोस्तों देखने वालों का होश उड़ जाएंगे। और दोस्तों आप भी अपने आंखों पर यकीन नहीं करने वाले हैं। दोस्तों खुशी के आंसू या शमे आपकी आंखों से निकलने वाले हैं। क्यों दोस्तों, घटना ही कुछ ऐसी होंगी, बात ही कुछ ऐसी होंगी कि दोस्तों आपकी आंखों में आंसू तो आ ही जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, परंतु दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इनमें आपका सबसे मुख्य भूमिका रहने वाले हैं। क्यों दोस्तों, आपको अब संभल कर चलना होगा, अब आपको गलती नहीं करनी होगी और जो गलतियां आपने की है उन्हें बिल्कुल भी नहीं दोहराना होगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 24 घंटों का समय आपका एक नए पहचान बनने का समय है। तो दोस्तों इसी में आपको कौन सा विशेष बातों का ध्यान रखना है, शादी दोस्तों कौन कौन से क्षेत्र में आपको लाभ मिलेंगे, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आने वाली 24 घंटों के अंदर मिलने वाले हैं ताकि जो विजय का माला है आपके गले पर चढ़ेगा। दोस्तों उन सभी के लिए आपको कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने हैं, सभी बातें बहुत ही गहरी तरीके से ग्रहों की गोचर पर निर्मित है, जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और इन्हें शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें। उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी भगवान भोलेनाथ और शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों भगवान भोलेनाथ और शनिदेव आपके शारीरिक कष्टों को दूर कर देंगे। तो आए दोस्तों अब बात करते हैं। दोस्तों यशु में अपने सपनों तथा महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का समय होगा। आपको बता दें कि आप जिस काम को भी करने की मन में ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। भाइयों के साथ चल रहा कोई विवाद भी इसमें समाप्त होगा तथा आपसी संबंध भी इसमें मधुर हो जाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों इसमें भावुकता में आकर कोई भी निर्णय ना लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे तथा नकारात्मक प्रवृत्ति के जो भी लोग हैं इनसे आप इसमें आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों कोई नजदीकी व्यक्ति आपकी समस्या का कारण बन सकता है। रुपये पेशे के मामले में भी इसमें आपको सावधान रहना चाहिए। दोस्तों किसी पर भी अधिक भरोसा करना यह आपके लिए नुकसानदायक होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में
आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों दिन की शुरुआत ही आपको सकारात्मक महसूस होगी। प्रिय व्यक्ति के साथ वक्त बिताने की वजह से मन में आनंद भी प्राप्त होगा। घर में अचानक से मेहमानों के आने से जो है घर का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। जल्दी ही घर में अविवाहित व्यक्ति का विवाह तय हो सकता है। और इसके उपरांत समय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों आप उत्साह से परिपूर्ण भी रहेंगे। मेहमानों की आवागाही से घर का जो माहौल है बहुत ही अच्छा रहेगा। दोपहर बाद अप्रत्याशित लाभ की स्थितियां भी बन रही है। दोस्तों ये समय भरपूर सदुपयोग करें। इस समय को आपकी सकारात्मकता तथा संतुलित सोच द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को आप संपन्न होते जाएंगे और इन्हें आप देख भी पाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें यश में खर्चे के मामले में ज़्यादा जो है दरिया दिली ना रखें। किसी व्यक्ति से पैसे संबंधित लेन देन करते समय वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी चिंता भी रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाभदायक साबित होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी मामला अटका हुआ है तो दोस्तों यश में उससे संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकता है, इसलिए इसमें आपको प्रयास करना चाहिए। बच्चे की जो गतिविधियां हैं उनमें आप व्यस्त भी यश में रह सकते हैं। बच्चे सकारात्मक गतिविधियों में भी व्यस्त रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में परंतु आलस को अपने ऊपर हावी न होने दें तथा अपने कार्य पर एक ध्यान दें आपको देना चाहिए। दोस्तों यश में किसी भी प्रकार की उधारी देने से आपको बचना चाहिए। उधारी का काम ही यश में आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों वसूली मुश्किल होगी। किराएदारी संबंधी मामलों में कुछ बात बात की स्थिति भी बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों आपके मार्ग में आ रही थोड़ी भी कठिनाइयाँ की वजह से आप पर मानसिक तनाव भी हावी रह सकता है, इससे आप दोस्तों कमजोर भी महसूस कर सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इस समय आपको बता दें कि जिसका असर आपकी जीवन शैली और काम पर भी दिख रहा है। दोस्तों हर बात में लोगों द्वारा मदद मिलने की अपेक्षा रखना आपको और दूसरों को भी दुखी कर रही है, इस बात को इसमें आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि यश में वह प्रकृति आपको कोई बेहतरीन मौका भी प्रदान करने वाली है, अतः यश में आपको भरपूर सदुपयोग करना चाहिए। पारिवारिक व्यवस्था को अनुशासित बनाकर रखने की आपको जो कोशिश है यश में सफल रहेगा। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय आपको अपनी योग्यता पर विश्वास रखना चाहिए। शादी दोस्तों संतान से संबंधित कोई चिंता भी रह सकती है। अपने अहम को नियंत्रण में रखना यश में अति आवश्यक होगा। पड़ोसियों के साथ भी किसी प्रकार की अनबन हो सकती है। दोस्तों यश में बेहतर होगा कि फालतू बातों में ध्यान न देकर अपने काम से आप मतलब रखें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए सुनूंगी आपको बता दें कि दोस्तों अधिकतर काम सरलता से भी पूरे होंगे। आपके काम संबंधी ज्ञान होने की वजह से दूसरों की मदद भी आप यश में कर सकते हैं, इसकी संभावना बन रही है। दोस्तों परिवार के लोगों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आपके सहयोग की भी अपेक्षा हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े जो भी लोग हैं वह इसमें अपने क्षेत्र में प्रगति कर पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें पिछले कुछ समय से जो भी कार्यशैली में बदलाव किया है दोस्तों उसके बेहतर परिणाम इसमें मिलने शुरू होने वाले हैं। परंतु दोस्तों ये जो समय है आपके लिए व्यक्तिगत कार्यों के बजाय आप अपने व्यवसाय में अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपको बता दें कि ऑफिस में कार्य करते समय ध्यान रखें कि छोटी सी गलती आपके लिए बड़ा मुश्किलें खड़ी कर सकती है। तो दोस्तों इसमें सभी कार्यों को जो है ध्यानपूर्वक ही करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों व्यापार में किसी साझेदारी संबंधी कार्य करने का प्लान भी बन रहा है, तो दोस्तों ये समय वह फायदेमंद साबित होगा, इसलिए दोस्तों उस पर तुरंत अमल करें। व्यर्थ की गतिविधियों पर समय नष्ट ना करें, इसका नकारात्मक प्रभाव आपके कार्यस्थल पर भी पड़ेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों शेयर्स तथा स्टॉक मार्केट से जुड़े जो भी लोग हैं यश में मुनाफा कमाएंगे। मीडिया मार्केटिंग आदि से संबंधित व्यवसाय में भी नई उपलब्धियाँ बन रही है। दोस्तों यश में वर्तमान व्यवसाय के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी आपको लाभ हो सकता है। दोस्तों इनमें दिलचस्पी लेना आपको इसमें शुरू करना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपके करियर के लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों व्यापार में कुछ समय से जिन नवीन कार्यों को करने की योजना बना रहे हैं दोस्तों उस पर अमल करने का उचित समय आ गया है। शेयर मार्केट से जुड़े जो भी लोग हैं यश में उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता भी होगी। नौकरी में नए अवसर भी आपका इंतजार कर रही है जिनमें दोस्तों उच्च अधिकारियों का भी पूर्ण मार्गदर्शन आपको मिलेगा।
और इसके उपरांत दोस्तों इस समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच संबंधों में और अधिक इसमें नई दिक्कतें आने वाली है। प्रेम संबंधों के प्रति अधिक संवेदनशीलता की जरूरत होगी। कुछ लोग आपके बीच मतभेद भी उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, तो दोस्तों उन लोगों से इसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों इस समय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि घर का वातावरण सुखद बना रहेगा। प्रेम संबंधों के प्रति संवेदनशीलता आपसी रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाकर रखेगा। तो दोस्तों इन पर भी आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों कभी कभी आपकी मौज मस्ती स्वभाव पारिवारिक लोगों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों अपने आप में गंभीरता लाएं तथा कुछ समय परिवारजनों के साथ भी अवश्य व्यतीत करें। इससे दोस्तों पारिवारिक माहौल को आप जो है और अधिक बेहतर बना पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि विशेष तौर पर स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें। जो है स्त्री जनित रोग आपको इसमें परेशान कर सकते हैं, तो दोस्तों इनसे आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। और इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि स्वास्थ्य अंत में ठीक होगा। दोस्तों किसी प्रकार की चिंता इसमें आपको करने की जरूरत तो नहीं होगी, परंतु अपनी दिनचर्या को आपको इसमें सुव्यवस्थित बनाकर रखना चाहिए। ये आपके लिए इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें बदलते ग्रहों के कारण आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि किसी प्रकार के जोखिम भरे कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए, चोट लगने की भी आशंका इनसे बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यह समय स्वास्थ्य के प्रति आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम और योगा पर आपको ध्यान देना चाहिए तथा अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों ये सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे, तो इन पर ध्यान दें। और यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा ऑरेंज और भाग्यशाली अंक रहेगा 2।